इसराइल और हमास के युद्ध को अब करीब 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष का दौर जारी है। दोनों ही पक्ष के लोगों का जीवन फिलहाल रुक सा गया है। कभी गाजा में इसराइल की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि ये इसराइल है, छोड़ेगा नहीं, तो कभी हमास संगठन की ओर से बड़ी संख्या में कई देशों के नागरिकों को बंधक बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि दो देशों के आपसी युद्ध में दोनों ही तरफ से बराबरी का खामियाजा आम निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही बड़ी तादाद में राहत सामग्रियों की भी जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए भारत ने अपने पुराने वादे को पूरा करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के लिए IAF C-17 विमान से लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री ले जा रही है। बता दें कि जहां इसराइल में मौतों का आंकड़ा लगभग 1400 के पार है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं गाजा पट्टी में भी अब तक करीब 5000 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच इसराइल ने शनिवार देर रात गाजा पट्टी के वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद एक मस्जिद को भी निशाना बनाया। तो वहीं इस बीच हिजबुल्ला की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल को मुहैया कराने का फैसला लिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 19 अक्टूबर को एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक फिलिस्तीन को मदद करने के वादे को पूरा करने की कड़ी में फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 की उड़ान मिस्र में एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई है। बता दें कि सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य जरूरी वस्तुएं भी शामिल हैं। बहरहाल जहां इसराइल और हमास के युद्ध के बीच आम निर्दोष लोगों ने जानमाल की तबाही का भयावह मंजर देखा और तमाम अपनों को भी खोया, तो वहीं अब भारत समेत अन्य बड़े देश भी इस युद्ध में शांति बहाल होने की राह देख रहे हैं और अपनी तरफ से संभव मदद करने की कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए रूबरू सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।